धन्यवाद आपको नेतृत्व में भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में बहुत से सुधार किए हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते रहेंगे। अभी भी बैंकिंग क्षेत्र में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है, कृपया निम्नलिखित समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें। व्यापारियों को 50 लाख तक वर्किंग कैपिटल कर्ज बिना जमानत 8% दर पर देने की व्यवस्था की जाए। मुद्रा लोन योजना केवल नए कारोबार के लिए, जिससे पुराने दुकानदारों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। देश में भिन्न भिन्न बैंकों में अपने ग्राहकों से भिन्न भिन्न प्रकार के खर्चे वसूले जा रहे हैं। आज़ादी के बाद से 2015 तक कभी भी बैंकों द्वारा ग्राहकों पर कोई कर नहीं था। हम लोग माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को एक ज्ञापन देने आए थे। ये हमारा प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है। हालांकि केंद्र सरकार जो है व्यापारी हितों में काफ़ी काम कर रही है, लेकिन व्यापारी आज भी बहुत परेशान है। केंद्र सरकार की कुछ नीतियों के कारण आज की तारीख में व्यापारी जो है भुखमरी की कगार पर पहुँच रहा है। जैसे कि TDS है, बैंकिंग प्रणाली है, हाइडल की समस्याएं हैं। आज की तारीख में रोज़गार कम होते जा रहे हैं और सरकार के द्वारा कर बढ़ाए जा रहे हैं। बिजली व्यवस्था का आप देखिए कि मैं ये मानता हूँ कि हमारी केंद्र सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली व्यवस्था सुचारू चल रही है, लेकिन आपने जो है उसके ऊपर शमन शुल्क बढ़ा दिया। आपने पहले बिजली चोरी में शमन शुल्क जो हुआ करता था वो केवल 1 महीने का लिया जाता था, आज की तारीख में 1 साल का लिया जा रहा है। बैंकों से संबंधित समस्या है कि आज की तारीख में अगर व्यापारी रेजगारी को जमा करने जाता है तो उसे इस तरह परेशान कराया जाता है कि जैसे वो रेजगारी जो है देने नहीं, भीख लेने आया हुआ है। तो हमारी माननीय सीतारमण जी से यही मांग है कि इन सब चीज़ों में सुधार लाया जाए। GST में अभी भी खामियां हैं कि जिनको काफ़ी हद तक तो सुधार लिया गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी खामियां हैं कि जिनका सुधार की बहुत अति आवश्यकता है। और हमें माननीय वित्त मंत्री से उम्मीद है कि इन सुधारों को वो अवश्य करेंगी, और वो अगर सुधार नहीं करती हैं तो ये प्रदेशव्यापी आंदोलन जो है देशव्यापी हो जाएगा। तो हमारी उनसे यही मांग है कि इनमें सुधार की जो आवश्यकता है वो सुधार करें। हमारी कल महिला इकाई का गठन हुआ है और मैं स्वप्निल शर्मा महिला इकाई की अध्यक्ष। यहाँ पे हम सब यहाँ मेन आपका जो व्यापार मंडल है उनके साथ महिला इकाई भी आज ज्ञापन देने आई है। व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं GST को लेकर और बाकी चीज़ों को, जैसे कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि रोज़गार का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, रोज़गार सच में अभी नहीं उपलब्ध है और इस पे GST और डाला जा रहा है, अलग अलग तरीके के कर वसूले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो छोटे व्यापारी हैं उनको तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। और बैंकों की प्रणाली भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, जहाँ पे ये लिमिट कर दिया गया है कि आप इतना जमा कर सकते हो या इतना ही निकाल सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए हम सब यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और मेरे साथ पूरी महिला इकाई भी आई हुई है। और इस चीज़ को हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द निवारण हो, ताकि हम अपनी बातों को आगे रख सकें।